हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ दो भौतिक विज्ञान क्लास 11th का मात्रा के मापन। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे त्रुटियों के बारे में। तो त्रुटियां क्या होती है? त्रुटियां यानी कोई भी गलती। त्रुटि का मतलब होता है कोई भी गलती। त्रुटि को हम कह सकते हैं एरर। अब ये क्या होता है, देखिए कि आप अगर किसी भौतिक राशि को मापते हैं, जैसे आपने विस्थापन, वेग वगैरह इनको मापा, तो इनके मापने में जो भी कमी आती है, या जैसे मान लीजिए कोई भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, तो उस पर गुरुत्व वितरण लग रहा है, जी का मान होता है 9.8, जी का मान होता है 9.8, लेकिन प्रायोगिक ये एक मान हमने फिक्स माना, लेकिन इसके द्वारा जब आ रही है तो उस वस्तु का वेग 9.8 की जगह सपोज कीजिए 9.5 या 9.6 आ गया, तो इसमें कुछ कमी आई, कुछ त्रुटि आई। 9.8 होता है लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, 9.5 या 9.6 आ रहा, हो सकता है इसमें हवा जो है, हवा की वजह से इसमें कोई दिक्कत आ रही हो, या और कोई वजह से दिक्कत आ रही हो, या हो सकता है हमने जो मापा वो यंत्र में कोई दिक्कत है, तो उस वजह से उसका मान जो है वो 9.8 की जगह 9.5 या 9.6 आ रहा है। तो ये जो गलती आ रही है, इसी को बोलते हैं त्रुटि। मतलब किसी भी भौतिक राशि को मापने में जो कमियाँ आती हैं, उसे हम कहते हैं त्रुटि। इसके बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखते हैं थ्योरी, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए त्रुटि के बारे में, तो देखिए मापन में अनियमितता, मापन में अनियमितता ही त्रुटि कहलाती है। मापन में अनियमितता ही क्या कहलाती है? त्रुटि कहलाती है। कोई भी भौतिक राशि को उतना शुद्ध माना जाएगा कि वह उसके यथार्थ मान के समीप हो। किसी भी भौतिक राशि को उतना ही शुद्ध माना जाएगा वो उसके यथार्थ मान के समीप हो। अभी यथार्थ मान क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यथार्थ मान, तो यथार्थ मान के बारे में हम देखेंगे कि जैसे हम बात करते हैं समुद्र तल की। समुद्र तल पर जो ग्रेविटेशन गुरुत्वीय त्वरण है, जी का मान कितना है? जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। भाई गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर सभी बिंदु पर समान लगता है, 9.8 लगता है, लेकिन समुद्र तल पर हमने जो देखा वो मान कितना आया? 9.6 मीटर पर सेकंड आया। मतलब यहाँ पे जो मापा गया समुद्र तल पे, वो कितना आया? 9.6। यह आया यथार्थ मान। ठीक है, मतलब वैसे कितना होता है? 9.8, लेकिन समुद्र तल पे कितना आया? 9.6 आया है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि 9.58 तक आया हो। ठीक है, तो इन दोनों में से यथार्थ मान कौन सा होगा? ये होगा एग्जैक्टली हमको एक तो 9.58 बताया और एक 9.6 बताया, तो इनमें से कौन सा मान होगा? तो देखिए हमने ये देखा कि इसमें से हमको ये पता लग रहा है कि 9.58 तक, इसमें हमें तीन अंकों तक, दशमलव के बाद आप दो अंकों तक दे सकते हैं, दशमलव के बाद दो अंकों तक हमें संख्या प्राप्त हो रही है, और उसमें दशमलव के बाद एक ही अंकों तक संख्या प्राप्त हो रही है। तो ज़्यादा सही कौन सा है? ज़्यादा सही ये है, इसलिए हम ज़्यादा इसको सही मानेंगे, ज़्यादा यथार्थ मान, ज़्यादा सही मान हम इसको मानेंगे। तो यथार्थ मान का मतलब क्या हो गया? एग्जैक्ट मान। एग्जैक्ट का मतलब परिशुद्ध मान। तो परिशुद्ध मान क्या हो सकता है? तो परिशुद्ध मान क्या हो सकता है कि किसी भी माप को, किसी भी माप को जितनी शुद्धता से मापा जा सकता है, जितनी शुद्धता से मापा जाए वह उसका उतना ही वह उसका परिशुद्ध मान होता है। तो देखो जैसे जी है 9.6, जी का मान कितना है? 9.6 में दशमलव के बाद एक अंक की जानकारी दे रहा है, एक ही अंक की जानकारी दे रहा है, जानकारी दे रहा है। ठीक है, और जी बराबर है 9.58 में दशमलव
के बाद दशमलव के बाद दो अंकों की जानकारी दे रहा है, दो अंकों की जानकारी दे रहा है। आप कह सकते हैं कि तो G का 9.58 मान परिशुद्ध मान है, परिशुद्ध मान है, ठीक है। अब इसके अलावा हम इसके मानों को अगर और यथार्थता से मापें और इनका शुद्ध मापन करें तो इसके लिए एक यंत्र आता है जिसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो देखिए वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, तो देखिए वर्नियर कैलिपर्स, तो देखिए वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, जो क्या करते हैं कि मिलीमीटर के दसवें स्थान तक, मिलीमीटर के दसवें भाग तक क्या करता है, किसी भी राशि को माप सकता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात ही कह सकते हो कि मिलीमीटर जो है मिलीमीटर के दसवें स्थान तक, मिलीमीटर के दसवें स्थान तक शुद्धता से नापा जा सकता है। मिलीमीटर के दसवें स्थान तक शुद्धता से नापा जा सकता है, जैसे 3.69, तो ये 6 तक मतलब क्या हो गया, ये दसवें स्थान हो गया। और मीटर स्केल ये क्या होती है, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि एक मिलीमीटर तक क्या कर सकता है, ये 1 मिलीमीटर तक शुद्धता से नाप सकता है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो 3.7, ठीक है, इसमें आगे हम बात करते हैं त्रुटियों के बारे में। तो त्रुटियां कई तरह की हो सकती हैं, देखिए देखिए त्रुटियां जो है वो कई तरह की हो सकती है। तो पहला है क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि। तो इसमें क्या होता है कि हम जैसे किसी वस्तु में माप रहे हैं तो उसके क्रम में जो त्रुटि आ रही है, ठीक है, क्रम में जो त्रुटि आ रही है मतलब क्या होता है कि हमने क्या हो सकता है उस वस्तु का क्रम है वो उल्टा सीधा कर दिया हो, तो ऐसा हो सकता है। जो त्रुटि किसी क्रम के कारण, मतलब हो सकता है हमने बड़ी संख्या को बाद में लिखा हो, छोटी संख्या को पहले लिखा हो, ठीक है, तो वैसा भी हो सकता है, के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। और त्रुटियों की पहचान कर हम त्रुटियों के क्रम को पहचान कर हम यह त्रुटि दूर कर सकते हैं। अब दूसरा आप कह सकते हो उपकरणीय त्रुटि, अगर हो सकता है किसी उपकरण से कोई भौतिक राशि को मापा गया हो तो वो मापने में त्रुटि आ गई हो, तो हम सपोज करो प्रयोगों में जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं
और इनके कारण उत्पन्न त्रुटि उपकरणीय त्रुटि कहलाती है। ठीक है, आगे इसके अलावा आप कह सकते हो कि मीटर स्केल का गलत अंशांकन, तो मीटर स्केल का गलत अंशांकन में हो सकता है। दूसरा हो सकता है हमने मीटर स्केल से किसी भी भौतिक राशि को मापा हो, तो मीटर स्केल में हो सकता है उसकी गलत वैल्यू आई हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। दूसरा है उपकरण की शून्यांक त्रुटि, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रायोगिक तरीके से, प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता, तो प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता कैसे हो सकती है कि देखिए कि प्रयोग करते समय हम जिस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं उस तकनीक का उपयोग नहीं करना, यह होता है प्रायोगिक त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि, इसमें व्यक्तिगत त्रुटि है, तो व्यक्तिगत त्रुटि का आप कह सकते हो कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने पर उत्पन्न त्रुटि। आगे देखिए, अनियमित त्रुटि की हम बात करेंगे, अनियमित त्रुटि क्या होती है कि यह त्रुटियां किसी क्रम के कारण उत्पन्न नहीं होती, त्रुटियों को कम करने का तरीका यह है कि जिस भौतिक राशि की माप कर रहे हैं, उसकी बहुत सारी माप ली जाए और बाद में उन मापों का औसत निकाल लिया जाए, मतलब ऐसा हो सकता है कि हमने एनिमित त्रुटि का मतलब है कि हमने एक भौतिक राशि की कई माप ली और उनमें कई त्रुटियां आई, तो इन सभी का हम औसत निकाल लें। हम कह सकते हैं कि माना
किसी भौतिक राशि की एन माप ली जाती है, किसी भौतिक राशि की एन माप ली जाती है, ठीक है। तो माना जो त्रुटियां हैं, तो त्रुटियां क्या हो जाएगी, त्रुटियां क्या हो जाएगी, पहली बार माप ली तो त्रुटि एक्स वन आई, दूसरी बार एक्स टू आई, तीसरी बार एक्स थ्री आई, इस तरह एन भी बार एन आई। तो औसत इसका माध्यमान कैसे निकालेंगे, माध्यमान अगर इसको आप एक्स बार मानेंगे तो इन सभी का योग एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डॉट वो बटे एक्स एन और अपॉन एन, तो ये हो जाएगा इसका वास्तविक मान। तो माना, आप कह सकते हैं माना जो भौतिक राशि है, माना जो भौतिक राशि है का जो वास्तविक मान है, का जो वास्तविक मान हमें ज्ञात नहीं है, माना कि इस भौतिक राशि का वास्तविक मान हमें ज्ञात नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम माध्यमान को ही क्या मानेंगे, ये जो माध्यमान निकाला है तो माध्यमान को ही वास्तविक मान मान लिया जाए, मान लिया जाएगा, ओके। और हम कह सकते हैं चूंकि वास्तविक मान तथा मापित मान, वास्तविक मान तथा मापित मान को ही के अंतर को, अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मतलब ये तो इसका माध्यमान हो गया और x1 इसका वास्तविक मान था, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में, तो देखिए माना पहली माप की निरपेक्ष त्रुटि, जिसको हम डेल्टा एक्स वन कहेंगे, ये हो जाएगा वास्तविक मान एक्स वन था और माध्यमान एक्स बार था। देखो इस तरह से था, तो ये वाला इसका वास्तविक मान है, ये माध्यमान है। तो पहले के लिए वास्तविक और माध्यमान दोनों का अंतर, इसको डेल एक्स कह सकते हैं, डेल एक्स टू को हम बहुत बोलेंगे एक्स टू माइनस एक्स बार, एक्स थ्री को आप कहेंगे एक्स थ्री माइनस एक्स बार, इस तरह से आप एक्स एन वी त्रुटि को कहेंगे एक्स एन माइनस एक्स बार। तो कुल निरपेक्ष त्रुटि आप कैसे निकालेंगे, कुल निरपेक्ष त्रुटि आप निकालेंगे, इसको आप एक्स बार से बता सकते हैं। तो ये आपका हो सकता है डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स थ्री, इस तरह से डेल्टा एक्स एन बटे एन, ठीक है, ये हो गया। अब निकालेंगे हम निरपेक्ष के बाद आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि इसको क्या कहेंगे, ये हो गया कुल निरपेक्ष त्रुटि, कुल निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान, तथा वास्तविक मान के अनुपात को, के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो कह सकते हैं कि कुल निरपेक्ष त्रुटि बटे आपेक्षिक मान, आपेक्षिक सॉरी बटे वास्तविक मान, आप कह सकते हैं इसको, भाई निरपेक्ष त्रुटि कितनी है,
कुल निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एक्स बार और बटे वास्तविक मान कितना है एक्स बार यानी माध्य मान था, तो ये आपका क्या था अपेक्षित त्रुटि। अब आप कह सकते हैं जैसे प्रतिशत त्रुटि आपको निकालनी है, तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगी, प्रतिशत त्रुटि प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करना है आपको, अपेक्षित त्रुटि जो है उसको अगर आप 100% से गुणा करेंगे तो ये आपकी अपेक्षित त्रुटि हो जाएगी। मतलब अपेक्षित त्रुटि आपके पास में है डेल्टा एक्स बार बटे एक्स गुणा 100%, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई अपेक्षित प्रतिशत त्रुटि हो गई। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, इसे हम कहेंगे त्रुटियों का संयोजन। तो अब हम बात करते हैं त्रुटियों के संयोजन की। त्रुटियों का संयोग, ठीक है, तो ये कैसे होगा देखिए, ठीक है, तो माना कोई भौतिक राशि, माना कोई भौतिक राशि x है, माना कोई भौतिक राशि x है, वह किन्हीं दो मापों a व b पर निर्भर करती है, a व b पर निर्भर करती है। माना कोई भौतिक राशि x है, ठीक है, उसकी दो माप ली गई, पहली माप उसकी मान ली a है और दूसरी माप उसकी मान ली हमने क्या मान ली b है, ठीक है। तो अब देखिए यदि a में निरपेक्ष त्रुटि जो है वो क्या मान सकते हैं भाई, x की निरपेक्ष त्रुटि क्या थी डेल्टा x थी, तो a की निरपेक्ष त्रुटि क्या हो गई डेल्टा a हो गई, ठीक है। इस तरह b में निरपेक्ष त्रुटि कितनी आ जाएगी डेल्टा b आ जाएगी, ठीक है। और अब देखिए जैसे सपोज कीजिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, तो a में मापन, तो a के मापन में त्रुटि, तो a के मापन में कितनी त्रुटि आ सकती है a प्लस माइनस डेल्टा a, और b के मापन में त्रुटि कितनी आ सकती है b प्लस डेल्टा b, पर त्रुटि को हमने डेल्टा से दर्शा दिया डेल्टा a से। अब जैसे सपोज कीजिए कोई राशि है, ठीक है, उसका मान वास्तविक मान 100 है, ठीक है, कोई राशि है उसका भौतिक राशि उसका मान वास्तविक मान 100 है, जब इससे हमने किसी भौतिक राशि को मापा तो इसमें क्या हुआ, जब पहली बार हमने मापा तो इसका मान सपोज कीजिए कितना आया 95 आया, फिर दूसरी बार हमने मापा इसका मान कितना आया 105 आया, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 95 का मतलब 100 - 5 हो सकता है और 105 का मतलब 100 + 5 हो सकता है, तो इन दोनों में देखिए क्या मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ +-5, क्योंकि एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, ठीक है, ये त्रुटि हो गई। तो वैसे ही हम ये जो वास्तविक मान है इसमें जो त्रुटि है, ठीक है, डेल ए जो है त्रुटि हो गई, इसको प्लस माइनस के रूप में लिख सकते हैं, इस तरह आप बी को भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए पता है एक्स की माप क्या हो जाएगी, एक्स की जो माप है वो कितनी हो जाएगी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं योग में त्रुटि, योग में त्रुटि, तो हमने कहा था जो x है मतलब कोई भौतिक राशि x है वो दो मापों पर डिपेंड कर रही है, निर्भर कर रही है, एक तो a पर और एक b पर, तो इन दोनों में प्लस लगा देता हूँ, ठीक है। अब यदि a में निरपेक्ष त्रुटि, a की निरपेक्ष त्रुटि हमने कितनी मानी थी डेल्टा a मानी थी, तो b की कितनी मानी थी हमने डेल्टा b मानी थी, ठीक है, और परिणामी x में परिणामी त्रुटि कितनी आ गई डेल्टा x आ गई, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, फिर प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है भाई x, ठीक है,
प्लस माइनस त्रुटि डेल्टा एक्स। तो ए था, ए में त्रुटि प्लस माइनस डेल ए, प्लस बी, बी में त्रुटि प्लस माइनस डेल बी हो गया। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं हम, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x बराबर क्या है, a प्लस बी है, और ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x का मान कितना है, a प्लस बी। तो यहाँ पे अगर आप x यहाँ पे इसको पहले इस तरह से लिखिए, a प्लस बी फिर प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। ये जो b है इसको इधर ले आइए। अब ये कितना होता है, a प्लस बी x होता है, ठीक है। तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है, इस x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी ठीक है, ये इस तरह का माना जाएगा। अब इसमें देखो एक तो धन भाग है ठीक है और एक ऋण भाग है ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम धनात्मक त्रुटि को ही लेंगे, हम अधिकतम त्रुटि के लिए के लिए धनात्मक मान लेने पर अधिकतम त्रुटि के लिए अगर हम धनात्मक मान लेते हैं तो ये होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ठीक है। उसके बाद अगर हम दोनों पक्षों में एक्स से भाग देते हैं, एक्स से भाग देने पर ठीक है, तो ये आपको बन जाएगा डेल्टा एक्स बटे एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बटे एक्स। और एक्स की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, ए प्लस बी होती है ठीक है। अब इसके अगर आप प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो 100 से इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है ओके। अब आप देखिए अंतर में त्रुटि हम बात करें, अब योग की जगह आप कर दीजिए अंतर में त्रुटि। तो अंतर में अगर हम त्रुटि करते हैं तो देखिए अंतर में त्रुटि करेंगे तो वहां प्लस था, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बाकी इसकी निरपेक्ष त्रुटि डेल ए और डेल बी रहेगी ठीक है, इसकी निरपेक्ष त्रुटि कितनी रहेगी, डेल ए और डेल बी रहेगी। फिर वही परिणाम में त्रुटि में हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स हो जाएगा, फिर एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, और फिर इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे ए प्लस माइनस डेल ए था, अब यहाँ पे जो बी था बी की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस की क्या कर देंगे ठीक है, हमें माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये ए प्लस माइनस डेल ए, फिर ये बी है जो कहीं का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का ठीक है अंदर जाके, और ये प्लस माइनस ऊपर जाके चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो a माइनस बी है ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो माइनस है इस प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको प्लस माइनस भी रख सकते हैं, लेकिन ये माइनस इस प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मैंने माइनस पहले ले लिया और प्लस बाद में लगा दिया। तो इस तरह से यहाँ भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, माइनस पहले ले लीजिए ये बाद में लगा दीजिए ठीक है। फिर वही यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस माइनस डेल एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास में प्लस माइनस डेल ए और माइनस प्लस डेल बी ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद वही डेल्टा एक्स बराबर यहाँ पे आपके पास में जाएगा, यहाँ पे पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर अधिकतम त्रुटि के लिए धनात्मक मान हमने ले लिया ठीक है, अपेक्षित त्रुटि के लिए हम क्या करेंगे, एक्स का भाग दे देंगे ठीक है। तो ये वही है, यहाँ एक्स की जगह हमने, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी, इसकी जगह आप ए माइनस बी रख दो ठीक है, ए माइनस भी रख देंगे। और अपेक्षित त्रुटि के लिए, अपेक्षित त्रुटि हमने क्या करा, यह आ गया प्रतिशत त्रुटि के लिए हम क्या कर रहे हैं, या माइनस कर देंगे ठीक है, और मल्टीप्लाई सो कर देंगे। तो इस तरह से आपकी ये अंतर में त्रुटि आ जाएगी ठीक है। अब हम देखते हैं गुणन में त्रुटि, अब देखिए गुणन में त्रुटि, गुणन में त्रुटि के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर हमने योग के लिए कहा था तो x बराबर a प्लस बी लिया था
और हमने अंतर के लिए कहा था तो a माइनस b दिया था। अब हम गुणन की बात कर रहे हैं तो x बराबर a मल्टीप्लाई b कर देंगे, क्या कर देंगे a मल्टीप्लाई b कर देंगे। अब आप देखिए तो a व b में निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, निरपेक्ष त्रुटि जो है वो क्रमशः a में कितनी थी डेल a और b में कितनी जाएगी डेल b है, ठीक है। तो x की x में परिणामी निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो जाएगी डेल्टा x होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप इन दोनों को इस तरह से रखते हैं, देखिए x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर आप इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो a में त्रुटि है, ठीक है, a प्लस माइनस डेल a और b में कितनी त्रुटि है b प्लस माइनस डेल b, ये दोनों किससे मल्टीप्लाई है गुणा में है, तो इन दोनों को आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे उसके बाद आप इसको गुणा कीजिए तो a को b से गुणा करेंगे तो a डॉट b आ जाएगा, फिर a को वापस इससे गुणा करो तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस a डॉट डेल b, फिर वापस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो डेल a और b, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो डेल a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए या फिर चाहे तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों में आप प्लस माइनस बाहर ले लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस डेल x, अब x की वैल्यू कितनी है a डॉट b, तो a डॉट b रखिए, ये रख दिया है हमने, और रखने के बाद देखिए यहाँ से a डॉट b से a डॉट b गायब हो जाएगा तो ये बच जाएगा आपके पास में ठीक है। उसके बाद अपेक्षित त्रुटि आप निकालेंगे, अपेक्षित त्रुटि में आप क्या करेंगे x का भाग देंगे आप भाग देंगे, ठीक है, और ये ही यहाँ भी करेंगे, इतना होने के बाद में अब आगे देखिए आगे हम क्या कर रहे हैं, इस x की जगह हम रखते हैं a डॉट b, तो प्लस माइनस डेल्टा x बटे x बराबर प्लस माइनस a डेल b बटे a डॉट b, फिर प्लस माइनस डेल a डॉट b बटे a डॉट b, और इसमें वही प्लस माइनस डेल a डॉट डेल b बटे a डॉट b। अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास जो बचेगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए उसके बाद हम कह सकते हैं यदि डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन डी अत्यधिक सूक्ष्म मानने पर, क्योंकि देखिए इसको कैसे सूक्ष्म मानते हैं, सपोज कीजिए ए मान लीजिए 100 है और ए में त्रुटि डेल ए कितनी है 5 है, तो डेल ए बटे ए कितना हो जाएगा 5/100 जो कितनी हो जाएगी 0.05 जो कि बहुत छोटी संख्या है, इसलिए ये सूक्ष्म हो गई और ये भी सूक्ष्म हो गई, तो इन दोनों का गुणनफल तो सूक्ष्म हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे इसकी उपेक्षा करने पर सूक्ष्म मानने पर, तो आप इसको कर सकते हैं डेल्टा x बटा x बराबर प्लस माइनस डेल a बटे a, और फिर आप कह सकते हैं प्लस माइनस डेल b बटे b, ठीक है, तो ये हो गया। अब प्रतिशत त्रुटि आप निकालेंगे तो अब इसको 100 से गुणा करें, प्रतिशत त्रुटि में आप क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि इसमें हम धनात्मक ही त्रुटि लेंगे।